दुनिया का एक ऐसा ब्रिज जो एफिल टावर से भी ऊंचा है, एक ब्रिज जिसके जरिए जहाज किए जाते हैं एक नदी से दूसरी नदी में शिफ्ट, एक ब्रिज जिसकी एक केबल 200 टन की है, और बताएंगे दुनिया के पहले वर्टिकल ब्रिज के बारे में। तो बने रहिएगा आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमारे साथ। नंबर एक, स्लोयर हॉफब्रग ब्रिज। दोस्तों भारत में भले ही नदियां और नहरों पर आपको जगह जगह छोटे छोटे ब्रिजेस से लेकर बड़े बड़े ब्रिजेस भी नजर आ जाएंगे, लेकिन दुनिया के बहुत से देशों में ऐसा करना काफी मुश्किल होता है। इसकी वजह है कि भारत की नदियां और नहरों में नाव या बोट्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए किया ही नहीं जाता, लेकिन नीदरलैंड जैसे देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ साल भर पानी में रहने वाली नदियों और नहरों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए खूब किया जाता है, इसलिए वहाँ परमानेंट ब्रिजेस कम ही देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक ब्रिज नीदरलैंड में है, जिसे पहली बार देखने में ऐसा लगता है मानो सामने से कोई बहुत बड़ा खिलौना हो। ये ब्रिज दो सड़कों को जोड़ता है, और इसको देखकर आप ये मत समझिए कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होगा। बता दे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो है इंजीनियरिंग का कमाल। जी हाँ, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के जरिए इस ब्रिज को कम लागत में बनाकर तैयार कर दिया गया था। अब जब भी कोई शिप पानी से गुजरता है तो ब्रिज के साइड में लगा रोलर ब्रिज को ऊपर उठा देता है, फिर जैसे ही शिप या बोट गुजर जाती है तो फिर से इस ब्रिज को अपनी जगह पर रख दिया जाता है। इस तरह न पानी का रास्ता रुकता है और न ही सड़क का रास्ता। नंबर दो, हाइड्रोलिक रोलिंग ब्रिज। हाइड्रोलिक ने दुनिया को इतना अनोखी चीजें दी हैं जिनको देखकर तो सारी दुनिया हैरान हो रही है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि ये किसी भी सेक्टर में इस्तेमाल की जा सकती है। इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आपने कई तरह के हाइड्रोलिक ब्रिजेस के बारे में तो सुना होगा। इन ब्रिजेस को इसलिए बनाया जाता है ताकि वाटर वे भी न रुके और रोड ट्रांसपोर्टेशन भी बरकरार रहे। स्विंग ब्रिज, रोलिंग ब्रिज और फोल्डिंग ब्रिजेस वगैरह, ये सारे ब्रिजेस भी हाइड्रोलिक ब्रिजेस की कैटेगरी में शामिल है। ऐसा ही एक रोलिंग ब्रिज है दोस्तों लंदन में। ये ब्रिज ग्रैंड यूनियन कैनल पर बना है। इस ब्रिज को 2005 में बनाया गया था। ये ब्रिज इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी का शानदार नमूना है। जरूरत पड़ने पर यह 12.9 मीटर लंबा ब्रिज एक छोर से दूसरे छोर तक रास्ता बना देता है, और फिर दोबारा से एक साइड में होकर गोल गोल फोल्ड भी हो जाता है। इसे पूरी तरह से फोल्ड होने में करीब 3 मिनट का समय लगता है। बता दें इस रोलिंग ब्रिज को साल 2005 में ब्रिटिश स्ट्रक्चरल स्टील अवार्ड से भी नवाजा गया है। नंबर तीन, फाल्किर्क व्हील ब्रिज। दोस्तों लिफ्ट्स के बारे में तो हम जानते ही हैं। लिफ्ट्स का इस्तेमाल इंसान करते हैं ताकि कई कई मंजिल ऊंची बिल्डिंगों में अपने बने अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स वगैरह तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। वेल, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ ब्रिजेस की, तो बता दें कि जिस ब्रिज की हम बात कर रहे हैं वो भी लिफ्ट की तरह ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि ये शिप्स और बोट्स को लिफ्ट करता है और एक नहर से दूसरी नहर में शिफ्ट कर देता है। अब जैसा कि इतना बड़ा ब्रिज है तो जाहिर है कि भारी भरकम यानी बड़ा भी खूब ही होगा। इस ब्रिज की हाइट 35 मीटर है। ये ब्रिज है दोस्तों स्कॉटलैंड में, ये 2002 से काम कर रहा है। वेल, इस ब्रिज के बारे में आपका क्या ख्याल है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर चार, द लर्निंग ब्रिज। दोस्तों ये दुनिया का इकलौता ऐसा ब्रिज है जो अनोखे डिजाइन का है और अजीब ढंग से काम करता है। जी हाँ, इसके अनोखे डिजाइन के लिए तो इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आज भी नया नया सा दिखने वाला ये ब्रिज दोस्तों 1946 में डिजाइन किया गया था और इसे बनाने में पूरे 2 साल लगे थे। इसे बनाने का मकसद था कि नदी के दोनों ओर लोगों का आना जाना भी होता रहे और नदी में चलने वाले शिप्स का रास्ता भी न रुके। इसलिए जब किसी शिप का गुजरना होता है तो इसे 40 डिग्री पर झुका दिया जाता है। इसे गोल शिप इसलिए दिया गया था क्योंकि इस नदी से काफी बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं। ऐसे में ब्रिज का ऊंचा होना भी खासा जरूरी है, इसलिए गोल होने की वजह से बीच के पोर्शन में ये पानी से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होता है, जिसकी वजह से इसके नीचे से बड़े बड़े शिप्स भी बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं। नंबर पाँच, पॉन्ट जैकस चेबन ब्रिज। ये है फ्रेंड्स फ्रांस का गार्गोने नदी पर बना दुनिया का पहला वर्टिकल ब्रिज। जी हाँ, ये इकलौता ऐसा ब्रिज है जो कि इस तरह से वर्क करता है, जब जरूरत पड़ती है तो ये अपनी हाइट से वर्टिकली ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। इस ब्रिज का इनॉग्रेशन खुद फ्रांस के प्रधानमंत्री ने मार्च 2013 के दौरान किया था। बता दें कि इस ब्रिज की लंबाई 110 मीटर है, जब जरूरत पड़ती है तो ये 50 मीटर ऊपर चला जाता है, लेकिन ऐसा करने की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। जब कोई बड़ा शिप गुजरता है तभी इसको लिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। इस तरह साल भर में करीब 100 बार तक इसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किया जाता है। नंबर छह, क्रिस्टल व्यू पॉइंट चाइना। सोशल मीडिया पर दोस्तों आपने बहुत सी वीडियोस में कभी न कभी एक ऊंचा सा पुल तो देखा ही होगा जिस पर कांच लगा होता है। लोग उस पर चलते जाते हैं और डरते जाते हैं। आपको बता दे दोस्तों, वो आसमान में नजर आने वाला पुल जैसा दिखने वाला दरअसल यही ब्रिज है जिसका नाम क्रिस्टल व्यू पॉइंट चाइना है। ये शानदार ब्रिज चाइना के बीजिंग शहर में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये समुद्र तल से 768 मीटर की ऊंचाई पर बना है। हालांकि ये ब्रिज लोहे और स्टील का ही बना है, लेकिन इसका फ्लोर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कांच से बना है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है मानो पैरों के नीचे कुछ है ही नहीं, और जब इस पर चला जाता है तो लगता है अगले कदम पर पैर के नीचे कुछ होगा भी या नहीं। इसी वजह से कुछ लोग ही बिना डरे इस ब्रिज पर चल पाते हैं। अगर आपको भी अपनी हाइट फोबिया के बारे में चेक करना हो तो आपको यहाँ पर जाकर
चेक करना चाहिए। वेल, आपका इस ब्रिज के बारे में क्या ख्याल है और क्या आपको भी हाइट से डर लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, वेडुक्ट दे मिलाओ ब्रिज। ये दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इस ब्रिज को जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ऊंचा ही नहीं काफी लंबा भी है। फ्रांस में बने इस ब्रिज की ऊंचाई आईफिल टावर से भी ज्यादा है। अब जाहिर है कि जब ये ब्रिज इतना ऊंचा है तो इसे बनाना भी काफी मुश्किल रहा होगा। इस बारे में बता दें कि जब इसे बनाया जा रहा था उस समय इसके चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई रहती थी। इतनी धुंध की एक पिलर से दूसरे पिलर तक ठीक से दिखाई नहीं देता था। इस ब्रिज को बनाने के लिए कंक्रीट के साथ हैवी ब्रिजेस का इस्तेमाल किया गया है, और जाहिर है जब इतना ऊंचा और हैवी ब्रिज है तो पिलर्स में स्टील भी ठूस ठूस कर भरा ही गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं हमारी लिस्ट में आखिरी के ब्रिज की ओर। नंबर 8, रॉयल जॉर्ज ब्रिज अमेरिका। ये एक और ब्रिज है दोस्तों, जिस पर खड़े होकर नीचे देखने पर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, ये है अमेरिका का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज। अमेरिका के अरकानसास रिवर पर बना ये ब्रिज न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, बल्कि ये वहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। जिन लोगों को एडवेंचर का शौक होता है वो इस ब्रिज पर ऊंचाई का मजा लेने जरूर जाते हैं। इस ब्रिज की ऊंचाई 955 फीट और ब्रिज की लंबाई 291 मीटर है। और बता दें, साल 2001 तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा पुल था जिसे इंसानों ने खुद बनाया था। जिस समय इसे बनाया गया था उस समय इस ब्रिज को बनाने में $350,000 की लागत आई थी, जो कि 2021 के हिसाब से करीब $4.4 मिलियन की भारी भरकम रकम होती है। जी हाँ, इसे बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसे दो मेन केबल से जोड़कर बनाया गया था, जिनमें से हर केबल का वजन 200 टन है और इसे बनाने में 6 महीने का वक्त लगा था। इस ब्रिज पर सबसे डरावनी बात यह है कि ये ब्रिज हिलता रहता है। ऐसे में जो लोग इस पर चलना चाहते हैं उनमें से ज्यादातर डरकर इस पर चलते नहीं है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे अनोखे अजीबोगरीब ब्रिज। आपको इनमें से कौन कौन से ब्रिज सबसे ज्यादा अलग नजर आए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो।